हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रूली से ज्ञान। ये एक और ऑनलाइन ट्यूटोरियल लेक्चर है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुडनेस ऑफ फिट और काई स्क्वायर टेस्ट। जैसे कि द नेम सजेस्ट गुडनेस ऑफ फिट, दैट मींस रिलेटेड टू दिस गुडनेस ऑफ फिट और काई स्क्वायर टेस्ट इज अ टेस्ट दैट वी डिड टू नोट द डेविएशन बिटवीन आर expected values and our observed values. That is, chi square test की value हमें ये बताएगी कि जो deviation आ रहा है हमारी observed और expected values में, वो by chance है या किसी some other factor की वजह से है। Goodness of fit और chi square test. So basically, ये test हमें कुछ चीजें नहीं बोलता। That is, इस टेस्ट को हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। Some of them are in front of you, can't, whether the calculated result is correct or not. Whether the calculated result is correct or not. इस टेस्ट को हम लोग इसके लिए नहीं यूज कर सकते कि जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला है वो सही है या गलत है। सेकेंड थिंग, whether we use the correct genetic explanations for आर एक्सपेरिमेंट। भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट करा और जो वैल्यूज आई, जो रिजल्ट आया, उनके लिए हमने करेक्ट जेनेटिक एक्सप्लेनेशंस यूज की है कि नहीं की है, ये चीज हम लोग इस टेस्ट के द्वारा नहीं बता सकते। सो भाई फिर इस टेस्ट के लिए हम लोग क्या है, किसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं? इसको यूज करते हैं, वन एंड ओनली थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर because of by chance or by some other major factor। इस टेस्ट को हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो डेविएशन आया है हमारी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बीच में, वो by chance आया है या किसी सम अदर मेजर फैक्टर की वजह से आया है। I think it is simple and easy to understand. Now, कैसे पता करेंगे हम लोग इस काई स्क्वायर टेस्ट की जब वैल्यू निकालेंगे तो टू थिंग्स कैन हैपन, या तो वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज हाई, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है तो assumption is deviation is because of chance. जो deviation आया है हमारे result में वह है by chance आया है। Now second thing is calculated value is low. If we get the calculated value low, then what happens? Assumption is deviation is because of some other major factor. It's simple. एक बार फिर से बता दूं, goodness of fit या chi square test we use to find the probability that
whether the deviation between observed and expected value is by chance or by some other major factors. ये कभी भी ये नहीं बताएगा कि हमने जो रिजल्ट कैलकुलेट करा है वो सही है गलत है, या फिर जो एक्सप्लेनेशन हम अपने रिजल्ट या एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को सही प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं वो यहां अप्लाई होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. इट कैन सिंपली टेल्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर बिकॉज ऑफ बाई चांस और बाय सम अदर मेजर फैक्टर. नाउ इसी चीज को हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं. ओके जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब मेंडलसन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आया था, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1. दैट इज इफ वी टेक 50 प्लांट्स देन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ इज टॉल 30 एंड ड्वार्फ इज 20 बाय दिस रेशियो. ओके नाउ दीज आर द ऑब्जर्व वैल्यूज. नाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. फॉर टॉल इट इज बिकॉज टॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/4. भाई चार प्लांट्स टोटल में बने जिसमें से कि तीन हमें बड़े दिखे एंड ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4. तीन बड़े और एक छोटा. सो टॉल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड यूज हम लोग करते हैं वो है 3/4 × 50 दैट इज 37.5. देखिए गुडनेस ऑफ फिट या काई स्क्वायर टेस्ट में कभी भी हम लोग रेशियोज में परसेंटेज में बात नहीं करेंगे. ऑलवेज वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द नंबर. Now, इसी तरीके से अगर हम लोग ड्वार्फ की बात करेंगे तो 1/4 × 50 बाई 50 बिकॉज 50 इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज 12.5. आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड टू यू. सो नाउ फिनोटिपिक रेशियो था 3:1 और हमने एग्जांपल लिया 50 प्लांट्स का जिसमें ऑब्जर्व वैल्यूज टॉल की 30 और ड्वार्फ की 20 आई इस रेशियो के अकॉर्डिंग. एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट करी टॉल के लिए 3/4 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल इनटू टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 37.5 एंड ड्वार्फ के लिए 12.5. नाउ बेसिकली अगर हम लोग बात करें काई स्क्वायर को निकालने की, काई स्क्वायर की वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग होगी ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड दैट इज फॉर टॉल बिकॉज हम लोगों की जो ऑब्जर्व वैल्यू आई थी वह 30 थी और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम लोगों ने निकाली थी वो 37.5 थी फॉर टॉल. लाइक दिस ऑब्जर्व वैल्यू फॉर ड्वार्फ इज 20 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 12.5 फॉर डॉट.
So we apply these numbers to our formulas to get the value of chi square for tall and for dwarf also. So for tall, observe minus expected, that is 30 minus 37.5 square upon 37.5 gives us the value of 1.5. Like for dwarf, 20 minus 12.5 upon 12.5 is 4.5. So because जब हम chi square की values करते हैं तो दोनों के results को sum up करते हैं, summation. So chi square value is what? 6. Now chi square value is 6. So अब हम देखेंगे कि degree of freedom क्या होता है. Degree of freedom. See, basically, degree of freedom means in how many types our result can vary. उसको calculate करने का जो formula होता है n minus 1. So n is 2 in this case because there are two phenotypes. One is tall and another is dwarf. So 2 minus 1 is 1. So our degree of freedom f value is 1 in this case. So अब हम लोग देखेंगे कि degree of freedom अगर हम लोगों का 1 आया है और chi square की value हम लोगों की 6 आई है, तो ये जो observe और expected, यानी कि इसमें और इसमें जो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में डेविएशन आया है वो बाई चांस आया है या किसी और मेजर फैक्टर की वजह से आया है. अब बाय द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन. और इनको लेकर के कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चार्ट की जरूरत होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं. सपोज दिस आई हैव chart. This is critical values of chi square distribution. Okay. So इसमें degree of freedom है 1. हमारे पास degree of freedom 1 आया था, तो हम लोग इसी इसमें देखेंगे degree of freedom 1, that is first row. और इसमें जो हमारी values आई थी 6, वो कहां कहां lie करती है, किसके बीच में lie करती है? 6 value जो lie करेगी वो हम लोगों की, that is 5.0 to 4 and 6.635, इन दोनों के बीच में लाई करती है, that is 0.025 and 0.01 के बीच में लाई करेगी. So 0.025 and 0.1 के बीच में लाई करेगी. तो अगर हम वो इसको कैलकुलेट करें 0.025 एंड 0.1 के बीच में वो चीज लाई कर रही थी हमारी वैल्यू, तो अगर हम लोग इसको परसेंट में कैलकुलेट करें, टू कैलकुलेट दिस इन परसेंट we got the value 2.5%. So ये value हम लोगों की ज्यादा आई, and because of this value the deviation is by chance, not by some other major factor. So एक इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो सीखा वो चीज थी कि कैसे हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं
अपनी डेविएशन को बताने के लिए ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज की, कि वो डेविएशन जो आया ये बाई चांस था या फिर किसी अदर सम मेजर सिग्मा फैक्टर की वजह से था। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर आफ्टर सीइंग दिस ट्यूटोरियल वीडियो, और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, हमसे कॉन्टेक्ट बना करके रखने के लिए प्लीज लाइक आवर पेज ऑन फेसबुक रोलिज विज्ञान एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रोलिज विज्ञान। थैंक यू।